अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह आपकी हर दुआएं कबूल करे। आज ना मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, तो इस वजह से सारा काम डिले होता जा रहा है। और दो दिन रेस्ट करने के बाद मैं कैमरा उठा रही हूँ, थोड़ी सी नर्वस हूँ। मैं अभी आई हूँ पाइप लगाने के लिए। कितने दिन हो गए, ये जो कोकोनट ट्री है ना, उसको पानी नहीं डाला, तो पहले पाइप ठीक कर लेती हूँ। नीचे वाला पाइप ठीक करने के लिए जा रही हूँ, मतलब जो पाइप है ना, नीचे वाला जहाँ पे मोटर रखते हैं, वो पाइप में बड़े वाले तालाब में डालने जा रही हूँ, ताकि पानी स्टॉप ना हो जब मैं मोटर मारूँगी तब। अभी तक ना मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सोच सब काम ख़त्म होने के बाद ब्रेकफास्ट करूँगी। दो दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला, फिर भी आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, इसलिए दिल से थैंक यू सो मच। मैंने रेस्ट इसलिए लिया था क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो सके। जब स्कूल में जाती थी डेली व्लॉगिंग करती थी, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था इस वजह से। और दूसरा कारण था, मैं कुछ एक ट्रिप प्लान कर रही हूँ जाने का, तो उस वो ट्रिप प्लान करने में मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। पर मैंने सोचा नहीं, आज ईद का भी मौका है, मैं आज से रेस्ट नहीं लूँगी और डेली ब्लॉगिंग करूँगी आपके लिए। तो मैं अभी नीचे पहुंच गई हूँ, पाइप नीचे डाल के आपसे मिलती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे पीछे ना पाइप डाल दिया है, और एक मेरा हाथ खाली है ना, लकड़ी, ये लकड़ियाँ नहीं है, इसे हम लोग कोकोनट में फिराड़े बोलते हैं, जो कोकोनट का लीफ होता है ना, उसका है ये, शाम को पानी गर्म करने में हेल्प होता है, नहाने का पानी है ना, वो तो गर्म करने के लिए हेल्प होता है। और बेसिकली हम लोग ये कलेक्ट करके रखते हैं, ताकि रेनी सीजन में आसानी हो वो आग जलाने में। तो बहुत सारे ना घर पे रखे हुए हैं, और मैं थोड़ा लेके जा रही हूँ अभी। अभी आपको घर जाने के बाद मिलती हूँ। हर दिन मैं ये काम माध्यव करता है, और मैं मोटर के बटन के पास रुकती हूँ, पर आज मैंने ड्यूटी एक्सचेंज कर ली है, माध्यव बटन के पास रुका है, और मैं यहाँ पे नीचे आई हूँ। यहाँ का अभी ना बस मुझे एक और पीछे और एक है, तीनों को ही पानी डालना होता है यहाँ पे। अभी मेरा ना इस साइड के कोकोनट ट्री को पानी डाल के हो चुका है, और उस साइड ना एक ही नारियल का पेड़ है, मैं वहाँ पे जाने के लिए जा रही हूँ। अभी टाइम रहा 9:15, और मेरा आज का एक काम ख़त्म हो गया है, पानी डालने का पेड़ों को, और शाम को भी डालना है, मतलब वो दूसरी जगह डाला है। तो अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और मैं अभी ना कितने दिनों और कितने महीनों के बाद, अभी ना हम लोग माध्यम का जो भी कपड़े नहीं पहनाएगा वो अगले साल स्कूल में वो डिस्कार्ड करने जा रही हूँ मैं। चलो माध्यम के कबड़ का सफाई अभियान शुरू करते हैं। ये देखो मेरे पीछे कितने सारे कपड़े है ना, वो ब्लू वाइट कलर के बैग के पास है, वो सारे डिस्कार्ड करने के लिए है। बेड पे है ना, वो हमें चाहिए अभी। अभी उसको एक पॉलिथीन में डाल के ना डोनेट करेंगे। तो फाइनली मैंने सारा कुछ माध्यम का और मेरा समेट लिया है इस साल का, इस साल का अगले साल में समेट लेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सब कुछ समेट लिया है। तो अभी आज जल्दी से क्लीन करती हूँ। अभी बज रहे हैं 11, और फाइनली हमारी क्लीनिंग हो चुकी है, और मैंने सब कुछ समेट भी लिया है।
तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा गनी बैग हम लोगों ने भरा है कपड़ों का। ये देखो, ये पूरा गनी बैग भरा है। वो कपड़े ना आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, मतलब कभी ना कभी जब भी डिस्कार्ड करने जाओ ना तो सोचते हैं कि कभी ना कभी ये यूज़ होंगे ना, ऐसे करके रखे रखे हुए कपड़े हैं वो। तो अभी होने के बाद अभी मैं थोड़ा सा ट्रॉली क्लीन करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे स्टैंड लगाना है। तो मादी उसको लेके जाएगा शाम को स्टैंड लगाने के लिए, तो अभी वो क्लीन करते हैं। अभी ये देखो, माधव ना रेडी हो चुका है वो कपड़े है ना वो लेके जाने के लिए। उसका मोबाइल चार्ज नहीं है तो पावर बैंक लेके जा रहा है। ये रहे वो कपड़े। देखा, माधव चला गया और लेके बैग। और मुझे अभी ना नीचे जाके वो पाइप मैंने बड़ी वाले तालाब में डाला था ना, वो छोटे वाले तालाब में डालना है और पानी लाने के लिए जाना है। तो मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर चले जाती हूँ। शाम के 4 और मैं फिर से नीचे जा रही हूँ पाइप छोटे वाले तालाब में डालने के लिए, ताकि घर में पानी भर सकूँ। बहुत ज़्यादा धूप भी लग रही है और मैंने सिर पे डालने के लिए कुछ लाया भी नहीं अभी तक। जो घर अभी तक शाम नहीं हुई ना, इस वजह से वो लग रही है। अभी ना आज का सारा काम ख़त्म करके मैं यहाँ पे बैठी हूँ। बस हमें अभी डिनर करना है, माधव शावर ले रहा है, इसलिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। आपने सुबह देखा कि हम लोगों ने थोड़े कपड़े धो ले किए थे, और आज इसलिए धो लेते हैं क्योंकि आज मौका भी था और दस्तूर भी था। मतलब आज बहुत अच्छा दिन था, आज ईद था, इसलिए हमने सोचा आज ही हम लोग डिनर करते हैं। कुछ माधव घर पर आया ना, उसने बताया कि जब माधव ने उनको कपड़े दिए ना, तो माधव बता रहा था उनकी चेहरे पे जो स्माइल आई ना, तो वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। वो कपड़े देख के इतने खुश हो गए वो लोग। अगर आप अपने से कुछ दे सकते हैं ना किसी को भी, तो प्लीज़ दे दीजिएगा। इन रिटर्न आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। माधव ने मुझे कहा कि उनकी स्माइल देख के उसके मन को बहुत शांति मिली। बस इसी शांति के लिए आप अगर आपके पास कुछ ज़्यादा है तो आप वो डोनेट कर दीजिएगा ना। आप डोनेट करेंगे किसी ना किसी तरह से वो आपके पास आ जाएगा। जो हम लोग देते हैं भगवान उससे भी ज़्यादा हमें देता है, ऐसा मेरा मानना है। आप मैं आज के दिन बस यही दुआ करूँगी कि अल्लाह आपको इस मुकाम तक पहुँचाए कि आप किसी को किसी भी तरह से हेल्प कर सके। अभी मेरे पास वो कैपेसिटी थी इसलिए मैंने हेल्प किया। तो आज बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आएगी और मुझे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है कि मैंने किसी की हेल्प की और उनकी उनके चेहरे पे एक स्माइल लाने की वजह हम दोनों थे। तो आज का दिन बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था। रमज़ान मुझे हमेशा याद रहेगा। पहली बार रमज़ान के दिन हम दोनों ने किसी के चेहरे पे स्माइल लाई, और दूसरी बार ये दिन आपके साथ मैंने शेयर किया, तो हमेशा याद रहेगा। अभी आने के बाद हम लोग करेंगे डिनर, और उसके बाद मैं करूँगी एडिटिंग और फिर सो जाएंगे। और मैं इसी खुशी के साथ और आपकी हर दुआ कबूल हो इसी प्रेयर के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फिर से। 2 दिन व्लॉग बिना डाले भी आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।